चिल्लाने लगी। उसका उसकी सासू दासियों से कहती हुई वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई है। रोटियां दे आओ। उस प्रकार मंगसीर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, तीन न चांद दुगना करवे ले लो, ज्यादा भूख लगवाने करवे ले लो। चौथ माता को देखकर बोली, मेरे को उजड़ा है तो मेरे तो सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोस माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरा सुहाग देगी। इस प्रकार पोस माता भी आकर चली गई। फागुन चैत वैसाख जेठ आषाढ़ सारी चौथ माता आकर जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। अब बाद में अश्विन की चौथाई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक और चौथ का नाराज है, वही तेरा सुहाग देंगी। तब उसके पैर पकड़कर बैठ जाओ जाइयो। यह कहकर वह बोल तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से से बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगना करवा ले, ज्यादा भूख लगने वाली कर...